जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक मैथ की वीडियो लेकर के अर्थमेटिक यानी आठवां पार्ट किसका, चाल समय और दूरी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आठवां पार्ट लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने पिछले 7 पार्टों में कुछ चीज़ें आपकी क्लियर की हैं, तो जिसने मेरे पिछले जो पार्ट आए हैं वीडियो के वो नहीं देखे हैं तो पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरे उन पार्टों को देखिएगा और आपके लिए चाल समय और दूरी कितना आसान हो जाता है आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पहला ही पार्ट देख लेंगे। और कितना आसान हो जाता है जब आप मेरा पहला पार्ट देखेंगे, तो उम्मीद है कि आप सभी ने मेरा पहला पार्ट देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो पहले मेरे पहले पार्ट पर जाए और किसका, चाल समय और दूरी का फर्स्ट पार्ट यानी पहली जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और चलते हैं आज के आठवें पार्ट की तरफ, यानी वीडियो जो है आज आठवें पार्ट को मैं लेकर के आप लोगों को हाजिर हूँ। हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं और उम्मीद है कि आप सभी को वो क्वेश्चन मेरे समझ में आए होंगे। तो चलते हैं आज के आठवें पार्ट की तरफ, और हमारा यही उद्देश्य है ले जाएं आपके आपको लक्ष्य की ओर। जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा एक कदम लक्ष्य की ओर। देखिएगा आज का क्या है पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ, और उम्मीद है और आशा है कि आप सभी को वीडियो के अंत में जो भी मैं कराता हूं सब कुछ समझ में आता होगा। अगर सब समझते हैं आप और अच्छा लगता है हमारे चैनल पर आपको सारी चीजें क्लियर होती हैं, तो एक शेयर लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे लिए भी जरूर करें, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, दो कार एक ही समय पर स्टेशन ए से बी की ओर, यानी दो कार हैं एक ही समय पर स्टेशन ए से बी की ओर क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। पहली कार स्टेशन बी पर पहुंचने के तुरंत बाद, यानी बी पर पहुंची होगी उसके तुरंत बाद ए की ओर चलती है। स्टेशन ए से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों कार मिलेंगी। स्टेशन ए से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों कार मिलेंगी, जबकि ए व बी के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। यह है आज का आपका पहला क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 24 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 30 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 25 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 23 किलोमीटर। यानी ये बात कही गई है कि दो कार एक साथ निकलती हैं, एक कार की स्पीड ज़्यादा है और एक कार की स्पीड कम है। जिसकी ज़्यादा है वो पॉइंट पर पहुंचने के तुरंत बाद एक ही तरफ द्वारा वापसी आती है, तो वही दूरी ज्ञात की है कि ए से कौन सी दूरी होगी वो जहां दोनों कारें मिलेंगी। चार दूरी आपके सामने दी गई हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं आज हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि कोई भी दो स्टेशन या दो दूरियां हैं जिनके बीच दो अलग अलग वाहन या रेलगाड़ी हो सकती हैं, दो स्कूटर हो सकते हैं, बाइक हो सकती हैं या फिर कार हो सकती हैं। तो एक कार दूसरी कार यानी दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के तुरंत बाद वापसी हो जाती है क्योंकि चाल ज़्यादा है, और एक कार जो पहली बी की तरफ चलती है वो उसको कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ये बात वाले आज क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दो स्टेशन है ए और बी, ठीक है। पहला ही आज का हमारा क्वेश्चन है। ग्राफ को जरूर समझिएगा, अगर आप ग्राफ समझते हैं तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा उसने कहा है दो गाड़ी हैं, यानी एक पहली है और एक दूसरी है। अब देखिएगा उसने कहा है दो ए और बी क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, यानी इसकी जो चाल है पहली की वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितनी है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा मैं आपको एक बात बताऊं, हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जब दोनों चालें एक तरफ जाती हैं या दोनों वाहन एक तरफ जाते हैं तो चालें माइनस हो जाती हैं, और जहां आमने सामने वो चीज़ें आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। लेकिन इसने क्या कहा है देखिएगा, पहली कार स्टेशन बी पर पहुंचने के तुरंत बाद, यानी एक स्टेशन यहां था और एक स्टेशन यहां था, दोनों के बीच की ये दूरी थी और इस दूरी को उसने डिस्टेंस बनाया है 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर। लेकिन ये कह रहा है ए जो है पहली जो कार है वो बी पर पहुंचने के, यानी बी पर पहुंची, पहुंचने के तुरंत बाद ए की तरफ, ठीक है, पहुंचने के तुरंत बाद ए की तरफ यानी इधर की तरफ वो आ जाती है, ठीक है, यानी तुरंत बाद, कब?
जब बी पर पहुंचती है तो तुरंत बाद वो ए की तरफ आ जाती है और कहीं आ करके मानो यही मान लो यहाँ मिलती है, ये भी यहाँ पहुंच जाएगी, इन दोनों की यहाँ मुलाकात हो जाती है। तो यही बात कही है। अब देखिएगा जब चाल एक ही दिशा में होती है तो हम घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पहुंचने के तुरंत बाद ये यहाँ वापसी आ गई यानी आमने सामने आ गई, तो चाल क्या होंगी, चाल जुड़ जाएंगी। चाल बराबर 5 + 4 = 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूरी क्या होगी हमारी, जब एक बात आप मुझे बताओ, यहाँ से पहली चली है यहाँ से दूसरी चली है, तो जब एक बार तो इसने क्रॉस कर ली और दोबारा में ये लौट गई, यानी एक बार की दूरी है 27, तो दो बार की कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक जा रही है फिर वापसी भी आ रही है, ये भी इधर को जा रही है, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी हो जाएगी 27 + 27, तो कितने 7 × 7 = 14, हाँ से एक 2 × 2 = 4 = 5 किलोमीटर, यानी 54 किलोमीटर आपकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो समय आप निकाल लेंगे, चाल आपके पास आ गई है, दूरी आपके पास आ गया, तो समय क्या होगा, समय होगा आपका भैया, समय होगा दूरी बटे चाल, तो 54 किलोमीटर अपॉन 9 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा और 9 × 6 = 54 आएगा, 6 घंटे में 6 आवर में वो ट्रेन मिल जाएगी, यानी 6 ही घंटे ये चलेगी यहाँ मिलेगी और 6 ही घंटे ये चलेगी यहाँ मिलेगी, ये बात क्लियर है। अब उसने क्या कहा है, लास्ट में देखिएगा, ए से वह दूरी ज्ञात करें जहाँ दोनों कार मिलेंगी, ए से वह दूरी ज्ञात करनी है जहाँ दोनों कार मिलेंगी, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, ए से वह दूरी ज्ञात करनी है जहां दोनों कारें मिलेंगी। अब मैं आपको बता दूं, अगर पहली ट्रेन को लेकर जाते हैं तो वो पूरी पार करने के बाद यहां आ जाती है, और दूसरी ट्रेन को लेकर जाते हैं वो ए से ही चलती है और यहां पे मिल जाएगी। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, वह दूरी ज्ञात करनी है जो ए से गाड़ी चलने के बाद, यानी दूसरी गाड़ी यहां पे जो मिली है ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो दूरी यानी ए से वह दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये वाली चली है, क्योंकि आप इसे लेते हैं तो ये ए से बी तक जाने के बाद फिर ए की तरफ आ रही है, ठीक है, यानी याली दूरी ज्ञात नहीं करनी है, दूसरी गाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है ए से चलने के बाद, वो बी से पहले ही उससे मिल जाती है, तो दूरी यानी दूसरी गाड़ी की चाल होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल गुणा समय 6 घंटे, तो 6 आवर, हावर से हावर कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6 × 6 = 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर आपकी वह दूरी होगी जो दूसरी कार चलने के तुरंत बाद यहाँ पे 24 किलोमीटर मिल जाएगी। जब एक बात तो यहाँ से यहाँ तक ये चली भाई 24 और ये पूरी चल गई 27, तो यहाँ तक चल गई 27 और 24 ये चली 24 25 26 27, 3 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चली। अगर वो पूछेगा आपसे, अगर वो पूछने लगे कि पहली कार कितने किलोमीटर चली है, तो 27 और 3 30 किलोमीटर, पहली जो चली वो आपकी चली 30 किलोमीटर और दूसरी जो चली वो चली 24 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाता कि पहली कार कितनी चली है और दूसरी कितनी चली है तो वो भी आप बता सकते थे, लेकिन उसने पूछा है ए से वह दूरी याद करो जहां वो दोनों ट्रेन मिलती हैं, तो ए से यहां से देखिएगा ये वाली ट्रेन इधर की तरफ जा रही है लेकिन फिर वापसी हो गई है, ये वाली सॉरी ट्रेन नहीं गाड़ियां हैं, गाड़ी ये वाली इधर से इधर जा रही है तो ये ए से ही जा रही है और यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे मिलने के लिए इसे 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी जो कि इसका फासला होगा 24 किलोमीटर पर ये दोनों क्या गाड़ियां मिल जाएंगी। अगर पूछता इसी क्वेश्चन में कि पहली गाड़ी ने कितनी दूरी तय की तो 30 किलोमीटर है और दूसरी ने 24 की है, क्योंकि लंबाई है हमारी दूरी 27 किलोमीटर, दो बार जा रही है, मतलब ये वाली यहाँ पे जाने का तुरंत वापसी होती है और ये वाली इधर को चलती है, तो देखिएगा 27 और 27 कितने 54 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। देखिएगा आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अब मैंने बहुत ही आसान से इसे आपको समझाया है। ये बात ये मत सोचिएगा कि मैंने ये ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कर दिया, तुरंत यानी तुरंत यहीं से मुड़ गया होगा इधर की तरफ, ठीक है, यहीं से ये इधर की तरफ, ये तो मैंने आपको समझाने का एक उद्देश्य बताया है, ठीक है। ये था आज हमारा पहला क्वेश्चन, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और काफी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए से वह दूरी याद करो जहां दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो ए से वह दूरी कौन सी है जहां दोनों ट्रेन मिलेंगी, सॉरी ट्रेन नहीं, मैं बार बार ट्रेन की बात आ रही है, ये गाड़ियां हैं, तो गाड़ी की जो दूरी होगी वो 24 किलोमीटर होगी जो ए से वो मिलेंगी, 27 तो ये पूरी कर ली और 3 एक्स्ट्रा चली है, तो 27 और 3 30 किलोमीटर की दूरी ए गाड़ी चली है। चलिएगा चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा अब क्या कहा है दूसरे क्वेश्चन में,
ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर दूरी तय करने निकलते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, दिल्ली से और मेरठ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं। यदि ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, भाई कितनी कम है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की गति बताओ। यदि बी मेरठ पहुंचकर वापसी में मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, यानी कि इन्होंने अब दूरी बता दिया आपको और इनकी क्या बतानी है, क्या कहा है, 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है तो ए से मिलता है, तो क्या कहा है, ए की गति बताओ, यानी ए की चाल आपको बतानी है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शंस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शंस 16 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शंस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आज आपका दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, दूरी बराबर चाल या चाल बराबर दूरी होता है, बस इतना तो आपको पता होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, आज आपको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, तो ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर आप बने रहते हैं तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। देखिएगा क्या है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई जल्दी से। मैं आपको पहली बता दूं, चाल बराबर दूरी या दूरी बराबर चाल होता है, चाल बराबर दूरी या दूरी बराबर चाल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूले में समझा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फॉर्मूला। लेकिन अब बात चाल और दूरी क्या है, तो दोनों आपस में बराबर हैं, या तो दूरी बराबर है या चाल बराबर है, दोनों आपस में बराबर हैं, चाल बराबर दूरी आपस में बराबर होते हैं, और ये फॉर्मूला भी है, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी दूरी और चाल दोनों आपस में बराबर हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। दिल्ली से मेरठ की 60 किलोमीटर की दूरी है भाई, एक दिल्ली है और एक क्या है भाई, मेरठ है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 60 किलोमीटर, ठीक है, इतना समझ में आया, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है। चाल बराबर दूरी या दूरी बराबर चाल, चाल बराबर दूरी, ठीक है, ये मैंने हल लिख दिया है आपको, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। देखिएगा एक बात बताओ, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं दिल्ली से मेरठ की दूरी तय करते हैं भाई, ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर की दूरी तय करते निकलते हैं। यदि ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी एक ए व्यक्ति है और एक बी है, इसने कहा है ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मैं यहां लिख लेता हूं, ए की जो गति है वो बी की गति से, बी से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है भाई, ये बात मैंने यहां लिख ली है अपने जानने के लिए। देखिएगा आगे चलते हैं, इसने क्या कहा, ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की गति बताओ, यदि बी मेरठ पहुंचकर वापसी में मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, कौन, बी मेरठ पहुंचकर, यानी ये मेरठ भी पहुंच गया, यहां से मेरठ भी पहुंच गया और यहां से वापसी भी आ गया, ये यानी वापसी भी कुछ किलोमीटर की दूरी ने तय कर ली, ठीक है, वापसी भी। ये ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, क्योंकि इस ग्राफ से ही आज आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। मानो यहाँ से चला था, बी चला था मेरठ से, क्या कहा है, दोबारा देखिएगा, दिल्ली से, सॉरी, क्या कहा है, बी की सॉरी, तो ए की गति बताओ, यदि बी मेरठ पहुंचकर वापसी में मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 60 तो ये पूरा पूरा चला गया, लेकिन इसने वापसी में भी 12 किलोमीटर की दूरी तय कर ली भाई, 12 किलोमीटर, ठीक है, और यहां पहुंच गया, और ए भी यहीं से चला, ए जब यहां तक पहुंचा होगा तो उसने कितनी दूरी तय की, ये बात इसने नहीं बताई है। जब मैं आपको बता दूं 60 किलोमीटर की टोटल है, 60 तो ये चल लिया लेकिन वापसी 12 किलोमीटर आ गया, और 60 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, यानी 10 में से 2 गए 8 और 5 में से गया 4, 48 किलोमीटर की ही दूरी ए ने तय की भाई। एक ये पॉइंट था जहां ये दोनों मिल जाते हैं, ए ने कितनी दूरी तय की, 48 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी, 48 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ए अनुपात बी, यानी ए और बी की हम क्या देखते हैं, दूरी, दूरी कितनी दी है भाई, दूरी दी है, ए की दूरी थी 48 किलोमीटर और बी की कितनी हो जाएगी, जल्दी 60 और 12, 60 10 70 और 2 72, मैं लिख देता हूं बी की दूरी,
बी की दूरी। कभी आप कहोगे ये पता नहीं क्या कर दिया सर ने, 60 + 12, 60 + 70 = 72 किलोमीटर, यानी बी जो है टोटल 72 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और मैंने आपको बताया चाल बराबर दूरी या दूरी बराबर चाल होते हैं, तो हमारी चाल बराबर दूरी, हम पे हमारे पास है दूरी, तो हम क्या कर सकते हैं दूरी बराबर चाल, हम चाल भी इसी को मान सकते हैं 48 और 72, ठीक है, क्योंकि चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल होता है, दोनों आपस में सेम होते हैं। तो देखिएगा चाहो तो आप इसे काट सकते हैं, 12 × 48 और 12 × 72, 6:2। उसने कहा है ए की गति बी की गति से कितनी कम थी भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ कितनी कम है, ए की गति कम है बी की गति से, तो कितनी कम है 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किससे, बी से ए की, तो टोटल कितनी कम है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसने क्या कहा है आगे, तो देखिएगा ए की गति बताओ, किसकी ए की गति बतानी है, ए की गति कितनी आ रही थी 4, तो 4 का मान कितना भाई, गुणा 4/2 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 2 × 4 और 4 × 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी किसकी गति भाई, ए की गति, उसने पूछा है ए की गति बताओ, तो ए की गति आपकी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ए की गति 4 किलोमीटर घंटा बी से कम है तो बी की कितनी हो जाएगी 8 और 4 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ गति लिख देता हूँ, इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 8, और इसकी 4 ज़्यादा है तो इसकी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जिसकी भी गति पूछे उसकी आप बता सकते हैं, ये मैंने लिख भी दी है आपको, ये ग्राफ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इस ग्राफ का एक बार यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका दूसरा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, चाल समय और दूरी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी आएंगे। देखिएगा तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहा है, ए और बी एक ही समय दिल्ली से मेरठ, यानी दिल्ली से मेरठ की ही दूरी तय कर रहे हैं, के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करने चलते हैं। बी मेरठ पहुंचकर वापसी में मेरठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर, बी जो है वो मेरठ पहुंचकर वापसी में 15 किलोमीटर की दूरी ए से मिलता है, यानी बी जो है 60 तो चल लिया प्लस 15 और चला और ए से मिल जाता है, क्या कहा, ए से मिल जाता है। यदि ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, किसकी, ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल क्या होगी, ए ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी 125 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है आज आपका तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है, ये मैं मिटा देता हूँ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो देखिएगा क्या है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आपको कुछ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है तीसरा क्वेश्चन, मैंने अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। ए और बी एक ही समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली और मेरठ, भाई मेरठ और दिल्ली जा रहे हैं, मतलब दिल्ली से मेरठ जा रहे हैं, जिनकी दूरी है मेरठ और दिल्ली की दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है। 60 किलोमीटर क्या है भाई, 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं बी मेरठ पहुंचकर, यानी एक ए है और एक बी है, यानी बी यहाँ से अगर चला और वो मेरठ पहुंचकर, यानी यहाँ मेरठ पहुंच गया, मेरठ पहुंचकर वापसी में एक ही तरफ वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, यानी वापसी में भी 15 वो चल लिया, तो टोटल कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर की दूरी थी, 60 तो वो चला ही चला है नी, और कितनी चला भाई, और 15 और चला। जब 60 में से आप जब ए यहाँ से चला होगा यहाँ के लिए, तो देखिएगा यहाँ ये ए मिल गया होगा, इससे आमने सामने इनकी दोनों की टकरार हो गई। चालें हमेशा आमने सामने जुड़ती हैं, एक दिशा में घटती हैं, अगर ये एक ही दिशा में भगते रहते और पार करते तो चालें घट जाती, क्योंकि अब ये आमने सामने की बात आ गई है घूम फिर करके, तो चालें जुड़ जाती हैं। तो देखिएगा जब 60 में से 15 यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, तो बची कितनी, 15 × 5 = 20,
और 45 किलोमीटर की दूरी ए ने तय की। भाई कितनी? 45 किलोमीटर की दूरी ए ने तय की। अब क्या कहा है देखिएगा, ग्राफ अगर समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब क्या कहा है, चाल बराबर दूरी होती है या दूरी बराबर चाल होती है, मैं आपको समझा चुका हूँ। इसने कहा है तो ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल बताओ। तो ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, दूरी हमारे पास है, क्या है भाई, दूरी है। तो ए ने कितनी दूरी चली भाई, 45 किलोमीटर की दूरी चली, और बी ने कितनी चली, 60 तो ये चला ही चला प्लस ये चला। बी की दूरी मैं लिख देता हूँ, बी की कुल दूरी तो ये जाएगी 60 प्लस 15, तो 60 75 किलोमीटर। यानी बी ने कितनी दूरी तय की है भाई, 75 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैंने आपको बताया चाल दी गई है तो दूरी बराबर चाल होता है, तो चाल आप मान सकते हैं, तो चाल भी आपकी 45 और 75 ही होगी। 15 3 45 और 15 5 75, 5:3 में चाल होगी। उसने कहा है ए की चाल आगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की आगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने कहा है ए की चाल कितनी है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की क्या होगी, मतलब ए का मान कितना दिया, 3 का मान दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी की कितनी होगी, यानी 5 का मान कितना होगा भाई, 5 का मान होगा आपका 5/3, 3 × 6 = 20, 50, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसने ए की चाल खुद दी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा उनने दिया हुआ है। जब ए की चाल दिया है हमारे पास, ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 का मान हो गया 60, तो बी का पूछा है 5 का मान कितना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक बार ग्राफ को जरूर समझिएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। आमने सामने दूरियाँ चालें जुड़ जाती हैं और एक ही दिशा में चालें घट जाती हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचने के तुरंत बाद वापसी आते हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी और दूरी हमेशा जुड़ती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, दो व्यक्ति एक ही समय पर ए से बी की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो पहला व्यक्ति बी पर पहुँच कर तुरंत ए की ओर चलता है, तो स्टेशन बी से वह दूरी बताओ, बी से वह दूरी बताओ जहां दोनों मिलते हैं। ए व बी के बीच दूरी 21 किलोमीटर की है, बी से दूरी आपको बतानी है जहां वो दोनों मिलते हैं, और ए व बी के बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। ठीक है, इनके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 6 किलोमीटर, बी ऑप्शन 3 किलोमीटर, सी ऑप्शन 7 किलोमीटर और डी ऑप्शन 5 किलोमीटर। ये है आज आपका चौथा क्वेश्चन, ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आप एक बार अगर ग्राफ को समझ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है चौथे क्वेश्चन में। आज मैं इसी पर आधारित, जिनकी ये प्रॉब्लम होती होगी कि वापसी जाना है आना है, तो आप कहीं से कहीं तक रुकने वाले नहीं हैं। देखिएगा क्या है आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक ही समय पर ए से बी की ओर, यानी यहाँ ए है और यहाँ है बी, ए से बी की ओर एक ही समय पर, और इसके बीच की दूरी दी है 21 किलोमीटर, और ये पहला व्यक्ति है पहला, और ये है दूसरा व्यक्ति दूसरा, यानी यहाँ से चला और ये यहाँ से चला। अब ये क्या कहता है आगे देखिए, ए से बी की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल दी है भाई, ए अनुपात बी की क्या दी है भाई, चाल दी है, एक ही चाल दिया है इसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल दी है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा चाहे तो आप लिख सकते हैं Km/h, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी है भाई। आगे क्या कहा है, अगर क्या कहा है, तो पहला व्यक्ति बी पर पहुंचकर, यानी ये वाला व्यक्ति देखिएगा यहां पहुंचकर तुरंत ए की तरफ आकर्षित होता है, मानो यहां पे। अब ये दूसरा व्यक्ति इधर की तरफ चलेगा और ये यहां पे मिल जाएगा, दोनों की मुलाकात हो गई भी। आगे क्या कहा है, पहला व्यक्ति बी पर पहुंचकर तुरंत ए की ओर चलता है, तो स्टेशन बी से वह दूरी बताओ जहां दोनों मिलते हैं। ए व बीच की दूरी 21 किलोमीटर है भाई, कितनी है, 21 किलोमीटर है ए व बी के बीच की दूरी। जब एक बात बताओ, दूरी की मैं आपसे बात करूं
दूरी की बात करूं, यानी पहला जो व्यक्ति है उसने 21 किलोमीटर ही पूरी कर ली, अब जो पहला ही है वो यहाँ तक आया होगा, कुछ दूरी तय करी होगी, और दूसरे ने यहाँ तक, यानी ये दूरी डबल बार तय की गई है। तो 21 प्लस 21 बराबर 42 किलोमीटर की आपकी क्या हो गई, दूरी हो गई। और चाल कितनी दी है, चाल दी है 4 और 3 के अनुपात में, सॉरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में है, आमने सामने है, यहाँ पे देखिएगा आमने सामने है, तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। तो चाल क्या हो जाएंगी, 4 प्लस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी है। चाल है तो समय बराबर निकाल लो, यहाँ मैं निकाल देता हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 42 बटे चाल क्या हो गई, 7 हो गई। तो 7 ये क्या थी, किलोमीटर में, और यह है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर, 7 × 42 छः घंटे में यह दूरी तय कर लेंगे। तो देखिएगा 6 घंटे ही ये चला और 6 घंटे ही ये चला। तो मैं आपको बता दूं, दूरी निकाल लेते हैं हम दोनों की, दूरी यानी दोनों की, पहले की दूरी अगर हम निकालते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। पहले की चाल थी 4 और 6 घंटे तक भागता रहा, 4×24 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरे ने की है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 6 घंटे तक ये भी भागा, 6×18 किलोमीटर की इसने दूरी तय की है। तो देखिएगा ए जो चला वो 24 किलोमीटर की दूरी, यानी 21 तो वो चला ही चला, और 21 और 24 में से 21 गए तो 3 किलोमीटर की दूरी और चला, और दूसरा जो है वो 18 किलोमीटर की ही दूरी चला है। पूछा क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं, पूछा क्या है, पूछा है कि तो स्टेशन बी से वह दूरी बताओ जहां दोनों मिलते हैं। तो मतलब यहां से यह दूरी बताओ जो जहां पे ये दोनों मिलते हैं, तो यहां की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर, क्योंकि टोटल चला था 24 और 21 है ये, अब वापसी में उसने 3 किलोमीटर चला है, यही आपका आंसर है। और ये पूछा है बी से वह दूरी बताओ जहां दूसरा व्यक्ति उसे मिलता है, यानी 3 किलोमीटर की वह दूरी है जहां उसे दूसरा व्यक्ति, सॉरी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपको बता दूं, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आज आपके चल रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, एक बार आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, ग्राफ जरूर बनाइएगा, अगर आप ग्राफ बना लेते हैं तो बहुत आसान से आप समझ में आता है आपके। देखिएगा क्या है, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, दो व्यक्ति ए और बी पी से क्यू की ओर, यानी पी और क्यू दो पॉइंट हैं, और ए और बी पी से क्यू की ओर, जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, यानी पी और क्यू के बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। क्रमशः ए की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। बी क्यू पर पहुंचकर, बी जो है वो क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर, बी जो है वो क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है। ए से आर, यानी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक आर पॉइंट है, आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन से 18 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 19 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 20 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 22 किलोमीटर। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। ये वो क्वेश्चन है सीजीएल मैन, सीजीएल रेलवे इत्यादि में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा क्या कहा है पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप उसको एक बार सोच लेते हैं, माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है, क्या कहा है, पी और क्यू दो पॉइंट हैं, यानी यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं यहाँ की तरफ, तो इन दोनों के बीच की दूरी दी है 21 किलोमीटर की दूरी है, सॉरी इन दोनों, हाँ 21 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है अभी, टोटल दूरी इन दोनों के बीच की है 21 किलोमीटर, ठीक है। P और Q के बीच की दूरी है 21 किलोमीटर। दोबारा एक बार फिर रिवाइज करते हैं, दो व्यक्ति A और B, यानी दो व्यक्ति हैं, एक A है और एक B है, ये यहाँ से इधर को चलता है, ये भी यहाँ से इधर को चलता है। आगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं,
ए और बी पी से क्यू की ओर, यानी दोनों ही पी से क्यू की ओर जा रहे हैं अभी तक तो, क्यू की ओर, जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा है दूसरा व्यक्ति यानी बी क्यू पर पहुंचकर, कहां पर, क्यू पर पहुंचकर तुरंत पी की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति एक साथ प्रारंभ करते हैं, बी क्यू पर पहुंचकर, यानी बी क्यू पर पहुंचकर आगे क्या कहा है, तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है। भाई तुरंत वापस मुड़ा और इसकी तरफ को ये चला, ठीक है, इसकी तरफ को चला। आगे देखिएगा क्या कहा है, क्यू पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है। ए से आर पर मिलते हैं, भाई एक बात बताओ, ए तो यहाँ था, क्यू यहाँ है, लेकिन यहाँ से निकल आया है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक आर पॉइंट भी है भाई, यानी यहाँ पे आर पॉइंट है और ये यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं। मानो यहाँ आर मान लिया हमने, यानी ये और आगे आ गया और आर पर मिल गया भाई, आर पर दोनों व्यक्तियाँ मिल जाते हैं, पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट हो गए। अब क्या कहा है आगे देखिए, तुरंत वापस मुड़कर ए की ओर चलता है, ए और आर पर मिलता है, तो पी से आर की दूरी क्या होगी, पी से आर की दूरी यानी यहाँ से और यहाँ तक की आपको दूरी बतानी है। भाई टोटल दूरी थी 21 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई भी, एक बात बताओ, हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 21 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 21 माइनस एक्स, ठीक है, यानी टोटल में से हमने x घटा दी जो भी इनके बीच की दूरी थी, एक दूरी मान ली हमने x किलोमीटर और दूसरी मान ली 21 माइनस x, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता, हमें टोटल की दूरी पता है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी मान ली हमने 21 और यहाँ से यहाँ तक मान ली 21 माइनस x। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कितना आसान हो जाता है, तो इसमें चाल भी हमें पता है, दूरी हमें पता लग गई है एक तरीके से देखा जाए तो। हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं भाई, देखिएगा अब देखिएगा, दूरी है, चाल है, तो क्या लिख लेगा, समय लिख लेगा, तो समय बराबर तो क्या होगा, दूरी बटे चाल। एक की दूरी क्या थी, ये वाली x मानी थी, सॉरी से x मानेंगे, 21 नहीं मानेंगे क्योंकि 21 तो टोटल है, ये x थी टोटल, यहाँ से यहाँ तक x थी, तो ये टोटल 21 में से x घटा दी, तो यहाँ की दूरी ये पता लग गई। अब देखिएगा एक दूरी चल रहा था वो x 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, कितने की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक चल रहा था भी टोटल दूरी थी 21, ठीक है, 21 चल रहा था और 21 माइनस एक्स हमने उसमें से हटा दी है, कितनी चल रहा था, 21 चल रहा था भी टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितनी चला, 21 चला, अब 21 में से अगर आप एक्स घटा दोगे तो प्लस 21 माइनस एक्स, तो ये दूरी चल रहा है इसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोबारा समझिएगा, x किलोमीटर की दूरी चल रहा है, a जो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और b जो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरी कवर्ड कर ली उनने, 21 किलोमीटर की टोटल कवर कर ली, लेकिन अब पूरी कितनी थी 21, तो 21 में से x हमने घटा दी, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी पता लग जाएगा, कितनी पता लग जाएगा, दूरी पता लग जाएगा, और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो देखिएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3, माइनस नहीं बराबर, 61 + 61, 3 × 3 = 63 हो जाएगा, और माइनस के 3x। अब एक बात बताओ मुझे, ये माइनस के 3x उधर हैं, 4x इधर हैं, तो 4x उन्हें मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6 और 6 × 6 = 12, 126, और 4 × 3 = 7x बराबर 126, और x बराबर 126/7, और 7 × 7 = 8, 9 × 10 = 11, 12, और 7 × 8 = 56, 18 किलोमीटर की क्या आ गई भाई, दूरी आ गई, x बराबर 18 आ गई। अब एक बात बताओ, x बराबर है 18, p से q की हो गई 18, और 21 में से 18 घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, आपको अब दूरी पता लग गई। उसने पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा, p से r की दूरी कितनी है, p से और r की दूरी x मानिए तो 18 किलोमीटर, ये हो गई 18 किलोमीटर, टोटल 21 है, 21 में से 18 गए तो 21 माइनस 18 बराबर 18, उन्हें बीच की 3 किलोमीटर, यानी Q से R की दूरी है 3 किलोमीटर और P से R की दूरी है 18 किलोमीटर। ये था आज हमारा 5वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं लिख देता हूँ इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, समझ में आया होगा उम्मीद है। दोबारा बताता हूँ, P से Q के बीच की दूरी है 21 किलोमीटर, ठीक है, एक व्यक्ति B से,
चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और क्यू पर पहुंचकर वापस मुड़ता है और आर पर कहीं मिल जाता है। हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आर भी था भाई, और ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और पी से चलता है और आर पर बी से मिल जाता है। तो एक बात बताओ, पी से आर की हमने दूरी मान ली एक्स और टोटल दूरी थी 21 और 21 में से x घटा ली हमने, तो हमारे पास ये दूरी भी आ जाएगी। हमें क्या करा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी ये चला x की चाल से a 3 किलोमीटर प्रति घंटा और b चला भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 21 की दूरी तो हमने कवर्ड कर ली और 21 जो बची थी टोटल 21 माइनस एक्स कर ली ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी चला था और अपॉन 4 की चाल से चला था, तो 21 होते हैं, 42 दिया कितने होते हैं 126 होते हैं और 4x यहाँ है, 3x यहाँ है, दर्जा के 7x हो जाएगा, 7x का मान 126, x का मान 18 किलोमीटर। x का मान ही पूछा, यानी p से r तक की दूरी है 18 किलोमीटर। अगर वो पूछता कि r से q की दूरी तो 3 किलोमीटर या q से r की दूरी 3 किलोमीटर और p से r की दूरी 18 किलोमीटर। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। मुझे बहुत ही उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप भी उस मेहनत को अपने ऊपर कायम रखिएगा क्योंकि इन्हें सीखिएगा। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए भी कीजिएगा। चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की तरफ। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न यानी दोपहर के समय 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। भाई घर में लड़ाई होगी, भैया भैया होगी और दोनों भाग लिए, एक पहले गया है दूसरा बाद में गया है, ये भी आप कह सकते हैं, पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? तो ए ऑप्शन से 18 से 2/3 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 9 किलोमीटर, सी ऑप्शन से 4.5 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 36 किलोमीटर। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन भी है, 6वां क्वेश्चन। देखिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा जिस पे आता है, मुझे बताइएगा क्या आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, 6वां और लास्ट क्वेश्चन भी। 6वां क्वेश्चन, एक जो है वो 10 बजे निकला है भाई, क्या बजे? 10 बजे निकला है, यानी यहाँ से इधर की तरफ वो भाग लिया, 10 बजे भाग लिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और दूसरा यानी उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद, तो 10 बजे हैं तो 11:15 पर वो भी चल देता है अभी उसके पीछे, और कितने बजे? 1:30 यानी अपराहन के समय 1:30 बजे यानी 1:30 बजे उसे पकड़ देता है। तो देखिएगा, इसकी जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी कोई चाल नहीं दी गई है, तो ये 11:15 पे चला है, तो 1:30 बजे तक कितने समय तक चलता रहा होगा? तो 11:15 से 12:15 और 1:15, 2 घंटे वो हो गए, 2:15 ये क्या रहा? चलता रहा मिनट, यानी 2:15 बाद इसने अपने भाई को यानी छोटे भाई को पकड़ लिया। यानी 2:15 हैं, तो इसको हम टोटल घंटे में ही चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं अभी, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 दुनिया 8 और 1, 9/2 घंटे में, यानी 9/2 घंटे में अपने छोटे भाई को वो पकड़ लेगा। और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अभी हमें दूरी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है ये जो है 12 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, कितने घंटे में? 12 किलोमीटर। अब मैं यहाँ दूरी निकाल लेता हूँ पहले, दूरी, क्योंकि देखिएगा दूरी है उसकी 1 घंटे यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर। अब इसके कितनी देर बाद भाई इसका भागा है? 1 घंटे 15 मिनट बाद, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 15 मिनट वो 60, 10, 70 और 5, 75 मिनट में, 75 मिनट तक ये कितना भागा होगा? यानी 75 मिनट तो वो है जो इनके बीच की डिस्टेंस रही थी, यानी 75 मिनट तक ये कितना भागा, इसने कितनी दूरी तय की? तो 75 मिनट का हम मान निकाल लेंगे गुणा 75/60, तो 12×5=60 और 5×5=5, 2×5=25, 15 किलोमीटर। ठीक है, देखते हैं, 15 किलोमीटर बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, ये जो भगता रहा भाई, इसने जब तक ये घर से चला था
15 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, ठीक है, तय की। उसके बाद उसने भागना स्टार्ट किया। जब उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की है तो देखिएगा समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय हमारा कितना है, 9/2, 9/2 समय बराबर दूरी कितनी आएगी भी 15 किलोमीटर। चाल हमें बता दो आप, एक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की हमने कुछ नहीं मानी है, इसकी H2 चाल मान लो भाई, H2 चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी ज़्यादा होगी तभी तो इसे पकड़ेगा। तो जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो H2 माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा, जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो चालें घट जाती हैं। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये मैंने यहाँ यूज़ किया है। समय इसका 9/2 घंटे था, दूरी 15 किलोमीटर आ गई क्योंकि उनका जो मोर डिस्टेंस था, यानी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस कितना, ये 10 बजे भागा, ये 15:15 पे भागा। अब एक बात आओ, इस टाइम में इसने कितनी दूरी तय की, 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तो दूरी बटे चाल, चाल है इसकी एस किलोमीटर प्रति घंटा, एस टू मान ली मैंने, ये मानी है एस टू मानी है, ये 5 नहीं है, कभी आप 5 मानने लगे, एस टू इसकी चाल मानी है। जब इसकी ज़्यादा होगी तो इसकी कम है, जब ये इसको पकड़ पाएगा, अगर इसकी कम होती तो इसे कभी नहीं पकड़ पाएगा। तो दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई इसमें और इक्वेशन की मल्टीप्लाई इसमें, चाहे तो आप पहले काट लो, 3 3 9 3 4 12 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ जाके हो जाएगी। अब देखिएगा क्या आया, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है भाई, ये तो 15 किलोमीटर आई गई, 15 किलोमीटर। अब मैं इसे यहाँ कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड में नीचे आ नहीं पा रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, यानी 3 की मल्टीप्लाई आप करोगे H2 माइनस 12 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 4 में, 4 × 2 = 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3H2 माइनस 12 × 3 = 36 और ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ये माइनस के हैं, इधर जाके किसके हो जाएंगे अभी, प्लस के, तो 3H2 बराबर 36 और 8, 36 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 8 × 6 = 14 हाँ से ले, 3 × 1 = 4 = 44 हो जाएगा, तो H2 बराबर 44 आ गई, अपॉन 3 आ जाएगा, 3 × 3 नहीं कुछ, 8 × 6 = 14 हाँ से ले, 3 × 1 = 4, कहीं गलती हो गई क्या, कहीं गलती हो गई क्या, एक मिनट देखते हैं, क्योंकि कटने में दिक्कत हो रही है, 3H2 बराबर माइनस 36 बराबर 20, सॉरी ये देखिएगा 3 × 9 = 15, देखिएगा ये था 4 × 8 और 9/4 होता है, ये 9/2 हमने यहाँ लिखा, 9/4 होगा समय, 9/4 होगा समय। मैं जब भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है भाई, 9/4 समय होगा, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई, ये 4 की ही यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में 36 आप जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 6 × 6 = 12 हाँ से ले, 3 × 4 = 5 = 52 हो जाएगा भाई। अब 3 से भाग देंगे तो H2 की आपके पास चाल आ जाएगी, 3 × 3 = 2 6 × 6 = 12 तो वहाँ से ले, 3 × 4 = 5 3 × 3 = 2 = 22 हो गया, 3 × 7 = 21 कितना आ रहा है, ये अब भी दिक्कत हो गई इसमें, ये कितना आ रहा है, 56 आएगा भी, 36 था ना ये, 20 प्लस 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15 ये फिर 5 आएगा, देखिएगा ये हमसे गड़बड़ बार बार हो रही है, 3 × 9 3 × 5 = 15 5 × 20 अब सही है, अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 4 होगा ये 5 × 4 5 × 20 हो जाएगा, अभी ये गलती हो रही है बार बार, 20 हो जाएगा ये, जल्दी देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 3 × 2 = 5 56 हो जाएगा, तो 3 × 3 = 2 = 3 × 8 = 24 कितना आ रहा है, 36 + 20 आ रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा 6 × 6 3 × 2 = 5 56 हो जाएगा, तो इसे हम 3 से जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 आ जाएगा अभी, 2 = 24 26 हो गया, 3 × 8 = 24 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिएगा अब सही है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दिक्कत हो गई थी, हमने यहाँ 4 की जगह 2 लिख दिया था, 4 × 8 = 9/2 होते हैं,
बी दो बोल रहा हूँ मैं, चार दुनिया आठ, रहे नौ बटे चार होते हैं, तो नौ बटे चार घंटे रखे हमने, बाकी ये आपके सामने हैं। तो 18 से 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही चाल हो गई भाई, जो पहला सॉरी जो दूसरा इसका बड़े भाई की चाल हो गई 18 से 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर, मैं आज ऐसे ही आप लोगों के बीच रहूँगा हमेशा, और हर एक दिन आपको कुछ नया सिखाने का एक प्रयास मेरा रहता है। अगर आप उससे कुछ सीख पाते हैं तो एक कमेंट और लाइक मेरे लिए भी बनता है भाई। आप ऐसे ही बने रहिएगा और ले जाएंगे हम आपको आपके लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।